हेलो फ्रेंड, आज मैंने स्पेशली स्वीट बनाया था, तो चलो आपको भी दिखा दूँ साथ साथ में। और ये बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया बने हैं और खाते से बस मुंह में घुल जाते हैं। तो चलो इसकी रहस्य भी जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसमें हम घी लेंगे, 2 चम्मच घी, 2 काजू और बादाम को हम घी में भून लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा करके इसको हम भून लेंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा गोल्डन फॉर्म में ना आ जाए तब तक इसको हम ऐसा मिलाते रहेंगे। यह थोड़ा सा भून गया है, इसे हम निकालेंगे। इसे हमने कटोरी पे निकाल लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ये ब्राउन कलर में आ चुके हैं। और हम इसी घी में 1 कटोरी सूजी को हम डाल देंगे। इसको हल्का हल्का भूनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भून चुकी है और इसे हम ज्यादा ब्राउन नहीं होने देना है, इसको हल्का हल्का हमें ब्राउन रखना है और इसे हम निकाल लेंगे। ये हमने सूजी निकाल लिए हैं भुनी हुई। इसमें हम 1/2 कटोरी शक्कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे चाशनी बनाने के लिए। इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें हम 1 चुटकी इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं चाशनी रेडी हो चुकी है। ये हमने चाशनी को बंद कर दी है और ये बहुत बड़ी चाशनी बनी हुई सूजी को ऐड करेंगे। नारियल को हमने पीस लिए थे ग्राइंड करके। इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। इस पे हम ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। और ये हमने बादाम मिक्स दूध पाउडर को मिक्स किया है। ये मिक्स किया हुआ पाउडर था और इसे हमने डाल दिए हैं और इसे हम मिला लेंगे। और ये हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम इसमें किशमिश डालेंगे और फिर मिला लेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और इसे हम एकदम गर्म है और इसको हम गरम गरम सेट। इसमें हमने थोड़ा सा रोज वाटर को ऐड किया है और ऐड करने के बाद हमने इसको पूरा मिला लिया है और ये बहुत अच्छी कंटेस्टी है। इसको फिर हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम पेड़े की साइज में देंगे और ये बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हुए हैं और खाने में इतने टेस्टी और लाजवाब होते हैं। ये पेड़े जितने अच्छे दिखने में उतने अच्छे खाने में भी होते हैं। और आपको अच्छी लगी मेरी रेसिपी
लाइक एंड फॉलो करना ना भूलिएगा, और मेरे बेटे को तो